तो आज हम आपको दिखाते हैं सैमसंग के एक ऑटोमेटिक हमारे पास वॉशिंग मशीन है। देखिए पीछे से इस तरह से इसके जो स्क्रू हैं वो हमें खोलने हैं। तो कस्टमर की कंप्लेंट थी कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो मंदी चल रही है, कई बार चलते चलते हैं बीच में रुक जाती है, जो वॉश वाली है। देखिए ये इसकी पूरा बैक पैनल है वो हमने खोल लिया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी ड्रेन को यहाँ से अनड्रेन करना है। ड्रेन की लिड को हमने ऊपर से जैसे हटाया, उसके बाद हमें इसकी जो ब्रेक है, ब्रेक के वायर को हटाना है यहाँ से। देखिए इस तरह से, ये अपनी स्पिन मोटर होती है इसके अंदर और ये होती है वाश मोटर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अब इसकी बॉडी को ऊपर से खोलने के लिए इसके जो साइड के स्क्रू हैं वो भी हमें यहाँ से खोल लेने हैं। देखिए इस तरह से तीन पीछे स्क्रू होते हैं और दो इसकी साइड में होते हैं स्क्रू। ये देखिए, एक ये रहा और एक एज इट इज अपोजिट साइड एक स्क्रू मिलेगा। जैसे आप इसका स्क्रू खोल के इसको बाहर निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए इस पर हमने पूरा वो किया हुआ है, किस तरह से आपको पूरी बॉडी को खोलना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस साइड भी एक स्क्रू है, ये हमने इसका स्क्रू खोल दिया। देखिए दोस्तों, ये है इसकी स्पिन मोटर, इसको आपको टी गोटे की सहायता से इसकी जो पुली होती है ऊपर, ब्रेक पुली, उसमें दो स्क्रू होते हैं। आपको जो टॉप में है स्क्रू उसके अंदर आपकी 8 mm की जो गोटी है वो लगेगी। आपको स्क्रू उसका इस तरह से कुछ खोल लेना है और उसके बाद देखिए, अभी हम आपको बताते हैं आपको कि फुल बॉडी आप इसकी कैसे खोल सकते हैं। उसके बाद आपको इसके फ्रंट पैनल के ऊपर जाना है। फ्रंट पैनल के ऊपर जाने के बाद देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसकी जो बेल्ट है वो बेल्ट को भी निकाल दिया है। ये देखिए इसके जो बेल्ट थी वो हमने बेल्ट निकाल चुके हैं हम यहाँ से। तो देखिए इसकी जो बेल्ट है वो हमने निकाल दी है। अब हम देखते हैं कि जो इसके वायर्स हैं, हमें इन वायर्स को भी वायर स्टेपर की सहायता से कट करना है। तो आपको दोस्तों वायर कट करते समय ध्यान रखना है कि कौन सी वायर, वैसे तो इसमें कलर कोडिंग होती है, कई बार क्या है कलर कोडिंग नहीं मिल पाती, तो आपको वहाँ पे देखना है। ये देखिए, जो अब इस पिन का ऊपर एक टैप होता है वो हमने उसका एक स्क्रू खोला है और ये हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा जोर लगा के ये बाहर की तरफ निकल गया है। अब आपको जो इसका स्पिन टब है वो राउंड करके बाहर की तरफ निकालना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा अगर जोर लगाएंगे तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। देखिए तो ये जो आपको ब्लैक दिख रही है ये इसकी सील होती है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से कुछ हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है पूरी तरह से। अभी हमें इसकी जो बॉडी है वो एज इट इज साइड में रखनी है। देखिए आपको यहाँ पे दो मोटर दिख रही होंगी, ये जो मोटर है ये अपनी स्पिन मोटर और ये है वॉश मोटर जो कि हमें चेंज करनी है इसके अंदर। देखिए ये है इसके अंदर वॉश मोटर जो भी हमें चेंज करनी है। इसके अंदर तीन स्क्रू होते हैं, ये देखिए ये स्क्रू आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनको आराम से खोल सकते हैं और उसके बाद आप अपनी मोटर चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमने जो इसके तीनों स्क्रू हैं वो धीरे धीरे करके खोलने हैं आराम से, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं तो हो सकता है वो ख़राब भी हो सकते हैं, टूट सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सावधानी के साथ काम करना है इसके अंदर। ये देखिए इसके जो लगभग हमने जो तीन स्क्रू हैं वो हम खोल चुके हैं। अब हम अपनी इस मोटर को चेंज करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर एक पुली है और इसमें जैसा कि मैंने बताया था 8 mm की गोटी से हमें इस पुली के ऊपर वाले जो पुली लगी हुई है इसको हमें खोलना है, क्योंकि ये पुली हमें दूसरी मोटर के अंदर लगानी है जो भी हम मार्केट से ब्रांड न्यू ओरिजिनल मोटर लेके आए हैं। तो अभी हम इसको ओरिजिनल मोटर के साथ रिप्लेस करेंगे। देखिए इस पुली का जो स्क्रू है वो लगभग खुल चुका है और अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हम नई वॉश मोटर डालेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल है वो। ये देखिए कुछ इस तरह से आपके जो तीनों स्क्रू हैं वो खुल गए हैं। तो दोस्तों आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है ऐसे काम करते समय, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं वो करनी है, तो आप ध्यान से रखें
और लापरवाही न करे किसी भी काम में। देखिए दोस्तों, ये इसके जो तीन पॉइंट होते हैं नीचे जिसके अंदर ये स्क्रू होल्ड होते हैं वो हैं। तो देखिए, हमने इस मोटर की जो वायर है उसको भी यहाँ से काट लिया है। देखिए, तीनों वायर हमने अलग अलग कर दिए हैं बिल्कुल, ये देखिए। और अब हम जो अपनी नई मोटर है, ओरिजिनल मोटर, उसके साथ इसको रिप्लेस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको अनपैकिंग करना है बिल्कुल सावधानी से। इसको कोई भी किसी भी तरह से ठोके या नहीं। देखिए, इसके ऊपर आपको दिख रहा है कितनी MFD का कैपेसिटर था हमारा और 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ये देखिए, हमने इसकी जो वायरिंग है उसको खोल लिया है। अब हम इसके अंदर इसकी जो देखिए, ये सापट होती है इसके अंदर, ये पुल्ली की, ये पुल्ली हमने इसके ऊपर आराम से बिल्कुल लगा देनी है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और दोबारा 8 नंबर की गोटी के साथ हमें इसको कसना होगा, क्योंकि बिना इसके इसको हम नहीं कस सकते। तो देखिए, ये हमने 8 नंबर की गोटी लगाई और हम इसको अभी कस देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम करो तो आपके पास हमेशा दो मैकेनिक होने ज़रूरी हैं। तो देखिए, ये इसके जो पुरानी वॉश मोटर है उसके बुश होते हैं नीचे रबर के, ये बुश भी हमें निकाल के नई मोटर के अंदर लगाने हैं। तो देखिए, जो इसके तीनों बुश हैं, हम तीनों बुश निकाल के इनकी हालत हमें ठीक लग रही है, तो हमें रिप्लेस या नए की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं बुश को वापस उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने जो तीनों बुश हैं वो लगभग निकाल लिए हैं और अब हम इनको नई जो हमने ओरिजिनल वॉश मोटर लेके आए हैं उसके अंदर लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, लगभग हमने तीनों बुशों को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम अपनी मोटर को दोबारा उसी की जगह पर, देखिए जो इसके अंदर तीन पॉइंट थे नीचे जहाँ पर हमारे स्क्रू कसे हुए हैं उसके ऊपर रख दिया है। और अब हम इसको इसकी एक बार थोड़ी सी बैलेंसिंग कर देते हैं, उसके बाद इसके अंदर जो स्क्रू हैं वो दोबारा से इसके अंदर लगा देते हैं। और आपको ध्यान रखना है, स्क्रू बिल्कुल ढीले नहीं छोड़ने, स्क्रू आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करने और बिल्कुल ढीले भी नहीं छोड़ने। तो जितना हो सकता है उतना उनको टाइट करें स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और फिर देखते हैं, इसकी अभी वायरिंग भी बाकी है, उसकी हम वायरिंग करेंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि कोई भी मोटर आप नहीं लेके आओ तो आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है उसके अंदर एक CSR होती है, कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग। तो वो तीनों वाइंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वायर किस पे लगेगी। तो आप जब भी इस मोटर को इसके अंदर इंस्टॉल कर पाओगे, कलर कोडिंग के हिसाब से नहीं कर पाओगे। तो देखिए, अब हम इसका जो कैपेसिटर है उसको चेक करते हैं कि वो कितनी MFD का है। तो हमारे पास इसके लिए क्लैमीटर है कैपेसिटर चेक करने के लिए। ये देखिए, इसमें जो अपनी पर्पल और येलो वायर है वो कैपेसिटर की वायर है। ये देखिए, लगभग 8 MFD का इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो अभी शो कर रहा है। तो हमें लगभग इसके अंदर 10 MFD का कैपेसिटर लगाना है। तो हम इसके अंदर नया कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों, 10 MFD, क्योंकि हमारी कैपेसिटर नहीं बदला तो मोटर जो नई मोटर है वो पूरी फोर्स के साथ नहीं चलेगी, कैपेसिटर वीक हो जाएगा जिसके कारण हमारी मोटर ख़राब हो सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मोटर चेंज करें स्पिन या वॉश, तो कैपेसिटर को रिप्लेस ज़रूर करें, कैपेसिटर उसके अंदर दोबारा बदलें मैंडेटरी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो हमने इस तरह से जॉइंट्स लगा दिए हैं और हमने इसके अंदर कैपेसिटर है वो इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसकी टेपिंग और वायरिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, जो अपनी मोटर की तीनों वायरिंग है वो हमने इसके अंदर HTs, हमने जैसे बताया था कॉमन स्टार्टिंग रनिंग के हिसाब से हमें इसके अंदर लगानी है। तो देखिए, हमने इन तीनों वायर को एक साथ इनके अलग अलग करके जोड़ दिया है। तो इसके बाद हमें इसके ऊपर
इलेक्ट्रिकल टेप से पैकिंग करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल टेप से हमें इसके अंदर टेपिंग करने के बाद कोई भी तार आपको लूज़ नहीं छोड़ना है, कोई भी बिना इलेक्ट्रिकल टेप के नहीं छोड़ना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर पानी आएगा नीचे से और कस्टमर को सोख भी लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल टेप आप हमेशा लगाएं, और उसका भी एक तरीका होता है, उसके लिए हम एक आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों लगभग अपनी जो मोटर है वो क्लियर हो चुकी है नीचे, देखिए हमने इसके स्क्रू भी लगा दिए हैं और कैपेसिटर भी चेंज कर दिया है। स्पिन मोटर में हमारी कोई दिक्कत ही नहीं थी, और वास जो मोटर है वो हमारी क्लियर हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब हम इसके अंदर इसकी जो बॉडी है, मेन कैबिनेट है, उसको देखिए बड़ी आराम से आपको काम करना है। ये कैबिनेट हमने दोबारा अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर इंस्टॉल कर दी है, ये देखिए। और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि दोस्तों हमने इस वॉशिंग मशीन को पूरी को खोला है, उसी तरह से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, ये देखिए जो स्पिन मोटर है उसको हमने दोबारा से उसका टब वो डाला है, उस स्पिन मोटर को 8 नंबर की गोटी से दोबारा हम इसके स्क्रू को कसेंगे। देखिए दोबारा हमने इसका जो स्क्रू है वो कस दिया है इस तरह से, और आप अपनी वॉशिंग मशीन